हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, लेकिन टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अनस बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं ये हॉस्पिटल का माहौल वगैरह देख के, तो हमारी कोशिश होती है कि अगर ये ज़रूरी नहीं है, उनका चेकअप नहीं है, तो उनको हम हॉस्पिटल ना लाएं। ये एक रूटीन ब्लड टेस्ट है जो कि ज़रूरी था। ब्लड की काफ़ी कुछ कमी हो गई थी, मुझे पता नहीं क्यों, सो ये दैट्स व्हाई कराना था। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। यहाँ से हम लोग जाएंगे ग्रॉसरी मार्केट कुछ ग्रॉसरी लेने के लिए। सो हमारे साथ चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ से हम लोग पहुँचे हैं, ये सुपरमार्केट है। अभी मजा आएगा ना। ईद की मेन ग्रॉसरी तो हमने ईद से पहले कर ली थी, जो कि खाने पीने की चीज़ें थी। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घर में हर वक्त होनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि छोटा सा बच्चा है तो उसको कभी भी भूख लगती है। तो अनस के लिए कुछ बिस्किट्स, कुछ चिप्स वगैरह हम लोग ले रहे हैं, कुछ चीज़ें मुझे अपनी लेनी है। ये हमारा सिंपल सा रूटीन है जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं जो कि काफ़ी सिंपल सी होती हैं, कुछ खास तो है नहीं वैसे इसमें। सो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ हमारा फैमिली का हिस्सा बन के रह सकते हैं। इसके बाद हम लोग अनस को पार्क भी लेके गए थे, उसकी भी एक डिटेल वीडियो है हमारी। लेकिन ये है कि क्योंकि ये ही ग्रॉसरी की वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी थी, सो नेक्स्ट वीडियो में हम अनस के साथ अपना पार्क में खेलने कूदने का उनका रूटीन और पार्क के बारे में मालूमात वगैरह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हमने जो विज़िट किया, एक्सप्लोर किया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अनस को ओनली चॉकलेट बिस्किट्स ही पसंद हैं, सो उसके लिए चॉकलेट बिस्किट लिए थे। फिर कैंडी का एक पैकेट लिया था, कैंडी बिस्किट्स भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा वो लेस खाते हैं, और लेस में ओनली रेड लेस खाते हैं, तो रेड लेस के कुछ पैकेट्स ले लिए हैं। बाकी अपने लिए हम लोगों ने जो है वो लास्ट टाइम पीनट पिक लिया था, और अब हमने पीनट पिस्ता लिया है। यहाँ कुछ चिकन क्यूब्स हैं। अनस के लिए मैं बनाती हूँ सिंपल राइस, और उसके ऊपर वो चिकन जो है मसाले वाला तिक्के वाली जो चिकन होती है उसको डाल के खाता है। तो मैं ये सोच रही थी कि राइस में थोड़ा सा क्यूब्स ऐड कर दूँगी तो थोड़े फ्लेवर्ड राइस हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा शौक से खाएंगे। ग्रॉसरी के लिए मुझे थोड़ी सी इस तरह की मार्केट सी अच्छी लगती हैं, जो जिसमें प्लेस ज़्यादा हो चलने फिरने का, क्योंकि जो बिल्कुल कंजस्टेड होती हैं, सो आप समझ सकते हैं इसमें लेडीज़ के लिए शॉपिंग करना बहुत मुश्किल होता है। लोग रेड में ये ना वो पिंकिश पे जा रही है, ये हाउ मच? ये है 197। सही है, ये निकाल दें। और सही है, एक सही है, ये भी एक और ले लूं? ले लो भाई, रेड में ही ले लूं क्या? चेंज कर ले कुछ। ये तो ये पिंकिश फनी पिंक ले लेते हैं। हाँ ये ले लो, फंकी पिंक ये वाला निकाल, 39 इस फंकी पिंक में। यहाँ ये इसका बहुत ही अच्छा सा अरोमा आ रहा था, तो अभी फ़िलहाल तो नहीं लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम लेंगे इंशाल्लाह घर के लिए ऐसी भी कोई चीज़। और ये कि इस वक्त है कि मैं कैप्स कुछ देख रही थी जो कि मुझे ब्लू कलर में चाहिए थी। मेरी जो कुर्ती है वो ब्लू और वाइट है, सो ब्लू में मुझे दिखी नहीं, तो मैं उसको शॉपकीपर को कह के चली गई थी कि आप ब्लू का निकाल लें, तो फिर मैं दुपट्टा देख लेती हूँ। दुपट्टा इस वक्त ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, सो लग बहुत अच्छा रहा था, लेकिन क्योंकि बिल्कुल रेशमी मटेरियल में था, सो दैट्स व्हाई हमने नहीं लिया, एक दूसरा लिया जो बाद में मैं आपको दिखा दूँगी। तो वो सिंपल सा है, लेकिन मलमल के कपड़े में है, जो कि सर पे भी आराम से टिक जाता है और गर्मियों में अच्छा रहता है। अच्छा Thank you.
ये स्टिच बेड शीट्स हैं, ये हम लोग चेक कर रहे हैं इसका मटेरियल किस तरह का है, कि रुआ वगैरह जल्दी तो नहीं आ जाएगा। सो ये हमें पड़ी हैं 1299 रुपीज़ की एक बेड शीट। सी बेड शीट ही अच्छी बिक जाती है रूम में, तो रूम की शक्ल ही अलग हो जाती है। बेड शीट्स और कर्टन्स अच्छे हों और चेंज हो जाए तो रूम ही ऐसा लगता है कि चेंज हो गया और बहुत अच्छा सा लगता है। मैं चाह रही थी 3-4 ले लूं, लेकिन मुझे 3-4 मिले नहीं है, एक ही दिलाई है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अच्छा, बाद में ही हमने थोड़ी किचन का सामान और ये एयर फ्रेशनर भी ले लिया था कि वॉशरूम में या कहीं भी इसको लगा दें तो अच्छा फ्लोरल फ्लेवर में, सो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा खुशबू वगैरह अच्छी आती रहेगी। ये पोनीज हैं, ये ली थी, ये बेडशीट फाइनली ये वाली ली है। दुपट्टा ये बिल्कुल ही सिंपल सा है, पर मटेरियल इसका बहुत अच्छा है, बहुत नरम और मुलायम। और ये कैप मुझे नहीं मिली ब्लू में, तो वाइट ही ले ली थी। ये फ्लैक्स सीड्स हैं, सो अभी ये रोस्टेड नहीं है, लेकिन बाद में आप रोस्टेड करके इसको कर सकते हैं, ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं। ये एक पुलाव का क्यूब लिया था और एक ये बिरयानी का क्यूब है। ये लिपस्टिक के शेड्स दिखा रही हूँ, एक थोड़ा रेड ट्यून में है, एक है पिंक टोन में और एक उससे भी थोड़ा लाइट है। सो गाइस, ये था हमारा सिंपल सा एक रूटीन जो कि ग्रॉसरी रूटीन आज हमने आपके साथ शेयर किया है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट टाइम किसी और तरह के व्लॉग में, ऐसी तरह के व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।